अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मेरा नाम है बासित शाह और मेरे साथ मौजूद है हुसैन इमाम, नाम तो सुना होगा। तो गाइस, पिछले कुछ दिनों से हम आपके सामने लाइव नहीं हो सके बिकॉज हुसैन साहब की थोड़ी तबीयत खराब थी। तो आज भी इनकी थोड़ी तबीयत खराब ही, लेकिन मैंने पुरजोर इसरार किया कि नहीं आज वीडियो करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मैचेज हुए, काफ़ी बातें हैं करने के लिए। फिलहाल हम आज की बात कर रहे थे स्कॉटलैंड वर्सेज ओमान, जो कि मैच एक वन साइडेड मैच था। ज़्यादा कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, स्कॉटलैंड ये मैच जीत चुका है और स्कॉटलैंड ये मैच जीत के हमारे ग्रुप में आ चुका है। तो बाकी जो कल है वो श्रीलंका का भी फैसला हो जाएगा कि श्रीलंका किस पोजीशन में खड़ा है, और इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। और जो कल मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका, उसमें पाकिस्तान की कहाँ कहाँ गलतियाँ थी और कौन सी ऐसी जगह थी जो पाकिस्तान को बेहतर करने की जरूरत है। तो मैं ग्रुप को बता दूं कि स्कॉटलैंड ने हमें ज्वाइन कर लिया, तीनों मैच जीत के ग्रुप बी में टॉप पर है। तो ग्रुप की जो प्रेजेंटेशन थी, सभी जानते हैं कि ग्रुप बी में जो टॉप पर है वो ग्रुप बी में ही आएगा, और जो ग्रुप ए में सेकंड नंबर पे होगी वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली नंबर वन है स्कॉटलैंड, नंबर टू पे बांग्लादेश क्वालिफाई किया है। तो स्कॉटलैंड जो है हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है। तो ग्रुप की जहां पर बताऊं मैं आपको कि ग्रुप बहुत इजी होता जा रहा है। बांग्लादेश की टीम शायद हमारे ग्रुप को ज्वाइन करती तो थोड़ा सा बैलेंस होता। स्कॉटलैंड की वजह से देखिए, ये ग्रुप जितना भी है बड़ा इजी है पाकिस्तान टीम के लिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना। आपने अगर इंडिया को हराते हैं तो आपके लिए सेमीफाइनल आपके डोर स्टेप पे खड़ा होगा, और मेरा ख्याल है कि आपको ये इजीली जो है ना कन्विंसली जीतना चाहिए सेमीफाइनल में, क्योंकि ग्रुप आपका बहुत इजी है। दूसरे से मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है वो श्रीलंका ही हमें ज्वाइन करेगा, क्योंकि वहाँ की जो टॉप की टीम वही बनेगी ये मंथ से। तो मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका के साथ हमारा ग्रुप कवर हो जाएगा, और दूसरे से नीदरलैंड जो है नीदरलैंड क्या है वो कवर होगी, आयरलैंड जो है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कल उनका भी फाइनल हो जाएगा। तो मेरा पर्सनली ओपिनियन यही है कि आयरलैंड उस ग्रुप को ज्वाइन करेगा और श्रीलंका हमारे ग्रुप को, तो कम्प्लीट हो जाएगी ग्रुपिंग में, तो कल फुल फ्लैग मैच भी चल जाएगा। तो अभी की जो लेटेस्ट न्यूज है वो यही है कि स्कॉटलैंड ने जो है हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया है। सही, तो ग्रुप बड़ा इजी है पाकिस्तान के लिए। फिर मैं बताता जा रहा हूँ कि पाकिस्तान का पहला मैच जो है इंडिया के साथ है, दूसरा न्यूजीलैंड के साथ है, तीसरा अफगानिस्तान के साथ है, चौथा और पांचवा हमारे जो क्वालिफाई टीम करके जाएगी अप्रोच करेगी वो है। तो पाकिस्तान के लिए न्यूज बेनिफिट है, उसका बेनिफिट ये है कि पहला मैच हमारा या दूसरा टाइट दोनों मैच है न्यूजीलैंड का, और बाकी जो तीनों मैच है बड़े दिए हैं पाकिस्तान को, उनमें से एक मैच को किक आउट करना चाहिए। सुलितो में जीते तो दोनों मैच चाहिए, थ्रू आउट टूर्नामेंट को पांचों मैच जीत करना चाहिए, क्योंकि इतना टफ नहीं है, बड़ा इजी ग्रुप है। गेयर मैं कह रहा हूँ बड़ा इजी ग्रुप है, पाकिस्तान को क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए जरूर करना चाहिए, और हमारी बेस्ट विशेस हमारे टीम के साथ भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो दूसरा मैच था आपका पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो कल लाना चाह रहे थे मैच भी साउथ अफ्रीका के साथ, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हम आ चुके। तो जो मैंने मैच देखा है आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बासित, आपने एक रन अच्छा किया, 185 रन आपकी बैटिंग ने स्कोर किया, और यूरी में आपको अफ्रीका को हराना चाहिए था, और आप 6 ओवर में 36 रन पे 2 विकेट भी ले लेते हैं और आप मैच को छोड़ देते हैं। इवन 12 ओवर तक उनको आपने कंट्रोल किया हुआ था, और वो फिर 15 रन की एवरेज से आपको आखिरी 8 ओवर में कर लेते हैं। इवन वन बॉल स्पेयर थी उसमें भी जो उन्होंने किया तो 100 किया है दूसरे दिन, जितनी देखी जाए सोफिकेट कम है, जितने उन्होंने अच्छे तरीके से और कॉम्पिटेटिवली पाकिस्तान को बीट किया। आई मीन इट्स अ वेरी इनकर्जिंग फॉर साउथ अफ्रीका, और उनका पहला मैच 23 को है, 23 मार्च को वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत मजा आने वाला है। और हम 23 मार्च से, मैं आपको बताता हूँ, 23 मार्च से हम रेगुलर हो जाएंगे अपने पूरे वर्ल्ड T20 की जितनी भी उसको ट्रांसमिशन में आपको सब जो है ना ज्वाइन करेंगे, और आप भी हम लोगों को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आपसे मैंने आपकी कैमरा भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रांस इतना अच्छा रही है, और ये हमें मानना चाहिए। हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करके ये सोच रहे थे कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। वेस्ट इंडीज का स्टाइल ये है कि वो उनका रिकॉर्ड वैसे भी हमारे खिलाफ इतना अच्छा नहीं है, दूसरा वो इतना फॉर्म में भी मुझे नहीं आ रहा है। तो एक अच्छी टीम ने 185 का आपको वेकअप कॉल दिया है कि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी अच्छी रही है। हारिस रऊफ अगेन फेल टू डिलीवर, मुझे हसन अली से भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि उन्होंने आखिरी ओवर में 19 रन का जो है वो चेस करवा लिया, ड्यू फैक्टर डेफिनेटली था, लेकिन उसको इतना भी आई थिंक 19 रन बहुत रन होते हैं जो उन्होंने करवाया है, तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंट रहा है।
पाकिस्तान वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम की कप्तानी में मुझे थोड़ा फ्लॉस लगा है वो बैच को। मेरा ख्याल है इमरान खान ने जब इनके साथ हमारे पीएम साहब ने जब मीटिंग की थी उन्होंने कहा था कि आउट करना है आपने, आप 6 ओवरों में 36 पे 2 आउट कर देते हैं और 12 ओवरों पे मैच आपके हाथ में है, आपको सिंगल नंबर जब देते हैं तो अगली टीम का जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो फिर T20 में 3 से 4 ओवर लगे तो आपका मैच खत्म है। उन्होंने 3 ओवर लगाए हैं सिर्फ यार 18 गेंदों पे आई थिंक 50 रन उन्होंने किया है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। उनको ये नहीं पता कि मैंने कौन सा बॉलर कहाँ पे देना है। अच्छा मजे की बात है जब उन्होंने कल शहीद शाह अफरीदी को सेकंड लास्ट ओवर दिया ना तो मैं सोच रहा था कि इसको देना नहीं चाहिए। वैसे क्रिकेट का सूझ ही बनता है कि आप अपने बेस्ट को आखिरी ओवर सेकंड लास्ट ओवर पे किया भी उन्होंने वैसे ही है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि उसको हसन अली के साथ जाते उसको देते चांस लास्ट में शहशाह मोहम्मद वसीम जो नहीं देती अच्छी बॉलिंग की आप उससे सीख लेते। देखिए बॉलिंग में आपका फ्लॉस है इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं, अगर आपने फीस को बॉलिंग नहीं दे दी तो फिर आप उसको खिलाए भी ना, तो उसके लिए हैदर अली अर्ली बिल्ली अल्टीमेटली अच्छी चॉइस है जो कि नया स्टफ है वो परफॉर्म भी अच्छा करेंगे तो उनको चाह देना चाहिए। अगर आपने मोहम्मद फीस को खिलाना है तो आपको उनसे बॉलिंग 2 से 3 ओवर करवाने पड़ेंगे, वो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो जानते हैं कि बड़े मैच में किस तरह परफॉर्मेंस देनी है। बाकी ओवरऑल बैटिंग बहुत अच्छी रही है पाकिस्तान की, तो लेट्स सी व्हाट हैपन इंडिया मैच 2 दिन बाद जो है संडे को बहुत बड़ा मैच आ रहा है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया और इंशाल्लाह हम इंडिया को इस दफा आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान इस दफा इंडिया को हराएगा। तो अब तक के इतना ही, बाकी संडे को इंशाल्लाह हम आपके पास आएंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट मैच में 23 को प्रॉब्ली, तो तब तक अपने बॉल ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।